पर है तो जो जिस बहन को आवश्यकता है उसी का फार्म भरा गया है। अच्छा हाँ। तो भाइयों को आवश्यकता नहीं है क्या? भाइयों को तो वो जब लाडला जीजा योजना निकलेगी ना उस समय उनको आवश्यकता होगी, और बहनों का मकान बनेगा तो जीजा लोगों का मकान तो बनेगा ही ना। जहाँ तक मेरा मानना है कि शासकीय नौकरियां हो या अर्ध शासकीय नौकरियां हो, शिक्षा का स्तर हो या महंगाई की बात हो या आम आदमी के लिए जीना बहुत दुभर हो गया है, और हमारे बालाघाट जिले का तो हमेशा दोहन होते जा रहा है। माँ जी, सभी बहनों का कहना है कि माँ जी ने जो बोल दिया वो सत्य है, तो आप बताइए कि कौन सी पार्टी आ सकती है परसवाड़ा क्षेत्र? पंजा ही आएगा। पंजा आएगा, सभी को पीएम आवास मिल गए? पीएम वाले नहीं है, नहीं मिला। आपके गाँव में, आपके गाँव में, गाँव में मिलने वालों को मिला है? हम लोगों को तो कोई फायदा नहीं है, और ना मुरादा वाले हैं, ना लाडली भाई, ना मिला है, ना कुछ नहीं। दोस्तों नमस्कार, आज हम हैं परसवाड़ा क्षेत्र में, और परसवाड़ा क्षेत्र का एक छोटा सा ग्राम है पीपरझरी, और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पर हट्टा का स्टेशन भी है। तो यहाँ पर आज हम आए हैं परसवाड़ा का विधानसभा क्षेत्र में सर्वे करने के लिए कि किसकी होगी जीत तीनों प्रत्याशियों में से। एक है हमारे नानू कावरे जी, दूसरे हैं मधु भगत जी, और तीसरे हैं कंकर मुजारे जी, है ना। तो ये तीन लोग खड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम जनता से जानते हैं कि उनका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है, है ना। यहाँ के क्षेत्र में क्या लगता है कि कौन जो प्रत्याशी है वो सबसे ज्यादा भारी बहुमतों से जीत हासिल कर सकता है या दावेदारी रखता है? तो आइए एक एक करके हम बातचीत करते हैं। दीदी आपका नाम? मेरा शकुंतला बिसेन। शकुंतला बिसेन, आप लोग की हम क्लास नहीं ले रहे, आप रिलैक्स होकर खड़े हो सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो दीदी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके परसवाड़ा क्षेत्र में जो तीनों प्रत्याशी खड़े हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार क्या हो सकता है कि जो पुरानी जो चीजें थी वो दोहराई जाएंगी या फिर से सत्ता पलट इनकी हो सकती है, क्या लगता है आपको? जो आपके मन में है वो आप बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है? हमने तो कमल को वोट दिए हैं। अच्छा। अब आगे हो सकता है कि कौन आ सकता है ये भी नहीं जान सकते हम लोग। अच्छा। जिसकी वोट ज्यादा आगे आ जाएगी वही आ गया। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जो बीजेपी में पहले जो नानू कावरे जी थे, क्या फिर से वो जीत सकते हैं? अब देखो जनता के ऊपर है, जनता के ऊपर है, एक लोग से नहीं होता इतना मध्य प्रदेश क्षेत्र प्रसाद क्षेत्र के ऊपर है सब आना जाना। आपके गांव से क्या लगता है आपको कि यहां से कितनी बढ़त बीजेपी को मिल सकती है? तो दोनों बराबर है, दोनों कौन कौन बराबर है? ये कमल और कांग्रेस पंजा। ठीक है, कमल और पंजा दोनों बराबरी पे चल रहे हैं। हो सकता है कमल भी आ सकता है, हो सकता है पंजा भी आ सकता है। अच्छा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब जिसके किस्मत जैसे होंगे, अभी हम तीन लोग हैं, तीन लोग ने किसको क्या दिया क्या मालूम नहीं। आपने तो खैर बता दिया, हमने भी दिए। आप बीजेपी वाले हैं, आप लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया। अच्छा, अभी को पीएम आवास मिल गए? नहीं, पीएम वाले नहीं है, नहीं मिला। आपके गाँव में, आपके गाँव में, गाँव में मिलने वालों को मिला है? फायदा नहीं मिला, कुछ भी हम लोगों को तो कोई फायदा नहीं है, और ना मुरादा वाले है, ना लाडली भाई, ना मिला है, ना कुछ नहीं, क्योंकि 60 साल हो गए, रिटायर हो गए हम लोग। अच्छा, पेंशन है अपने, 40 साल की दुआ हुई है, हमको 600 रुपया पेंशन मिलती है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे फिर करना चाहूंगी। शिवराज भैया ने कहा था कि जो महिलाएं पेंशन धारी है उनको 600 में प्लस 400 रुपए होकर आएगा। आता है जुड़की? आपका आता है? मेरा आता है, है ना। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं का नहीं आता है, उसका क्या? मैं 60 साल की नहीं हुई हूँ ना, 60 साल के अंदर वालों का आता है। अच्छा, 60 के अंदर का आता है, 60 के ऊपर का नहीं आएगा। आपको क्या लगता है, लांजी 109 जहाँ पर शुरू से हिना कावरे भी है, राजकुमार कर्राहे जी भी है, आपको क्या लगता है आपके यहाँ पर कौन बढ़त बना रहा है? अब वो ही बताएंगे आगे चल के क्या होता है। अच्छा, तो माँ जी आप हाँ माँ जी, सभी बहनों का कहना है कि माँ जी ने जो बोल दिया वो सत्य है, तो आप बताइए कि कौन सी पार्टी आ सकती है परसवाड़ा क्षेत्र? पंजा ही आएगा, पंजा आएगा, क्योंकि सभी जो उम्मीदवार है सभी जीत के लिए ही उनने अपना फॉर्म भरा है, और सभी चाहते हैं कि हम विधानसभा क्षेत्र से जीत रहे हैं जी, है ना जी। बसत यह है कि अभी अब उनका जो किस्मत का जो पिटारा है वो 3 तारीख के लिए बंद है जी, और सभी लोगों को इंतजार है जी। लेकिन हमारे यहाँ पर हिना दीदी और हमारे राजकुमार कराए जी, अब ये कहना चाहिए कि राष्ट्रीयकृत पार्टियां हैं और उनके उम्मीदवार हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच में ही टक्कर है? इन दोनों के बीच में जबरदस्त टक्कर है। आपको क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी इस बार हाथ मार सकता है? देखिए, ये तो जनता का रुझान बताएगा,
लेकिन हमारे यहाँ तो यही हुआ है आज तक की, अगर केंद्र में सरकार मतलब बीजेपी की रहती है तो हमारे यहाँ विधायक हिना दीदी रहती है, है ना। और यहाँ तो ये क्या एक तरह से ऐसा नहीं लगता कि कुछ सेटिंग वेटिंग तो नहीं होती इनकी? नहीं नहीं, देखो सेटिंग का नहीं है ये, उनका जो व्यक्तिगत तो वर्चस्व भी है, कुछ समीकरण जातिगत भी बनता है जी, कुछ पार्टी का भी रुझान होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि सेटिंग से होता है और उम्मीदवार के उस पर भी डिपेंड करता है जी। तो मुझे एक बात बताइए सर कि यहाँ पर जो 15 महीने की जो कमलनाथ की सरकार थी और शिवराज सिंह का जो सरकार चली, उसमें से किसका काम ज्यादा अच्छा लगा? देखिए अब इसमें तो अब ऐसा कहना उचित नहीं होगा क्योंकि कमलनाथ जी को भी कुछ समय मिला था, कुछ समय जी। अब उसमें उनमें उनके जो कुछ ऐसा पॉलिटिकल वो था कि भाई अपन लोग ये करने वाले हैं, कुछ उसमें जैसे किसानों का कर्ज माफ है, ये है वो है, बहुत सारा जो चुनावी एजेंडा होता है उसमें उतना एकदम से वो कुछ कर नहीं पाया क्योंकि उनको समय नहीं मिल पाया कैसे अच्छा। करने शिवराज सिंह के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसा है शिवराज सिंह जी तो अभी अब मामा बन के छाए हुए हैं, है ना, हर लाली बना के भाई हैं। एक चुनावी पॉलिटिकल जो ये फार्मूले जो चल रहे हैं ये आम आदमी आजकल अब थोड़ा समझने लग गया है और हर मतदाता जागरूक है ये सोचकर, किसी को ये नहीं कह सक रहा है आज की स्थिति में आदमी कि आप कौन सी पार्टी के हैं, आपने किसको मतदान किया है और किसको विजयी होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए। अभी मुझे एक बात बताइए कि कौन सा गवर्नमेंट है, अभी जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर आती है अभी तक के आपने रोजगार का जो माहौल देखा जो समझा ठीक है, अभी आगे आने वाली गवर्नमेंट ऐसा क्या लगता है आपको कि कौन सी सरकार अगर बैठती तो अच्छी नौकरियां प्रोवाइड वो कर सकती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि चाहे सरकार कोई भी बैठे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि भाई बीजेपी बैठना चाहिए तो ये करना चाहिए और कांग्रेस बैठना चाहिए तो ये करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग परिवार को लेकर चलने वाले लोग हैं। जहां तक मेरा मानना है कि शासकीय नौकरियां हो या अर्धशासकीय नौकरियां हो, शिक्षा का स्तर हो या महंगाई की बात हो या आम आदमी के लिए जीना बहुत दुभर हो गया है और हमारे बालाघाट जिले का तो हमेशा दोहन होते जा रहा है। किसी पार्टी का भी कोई भी सदस्य आए, मैं उससे यही अपेक्षा करूंगा कि वो आगे आने वाली जो जनरेशन है, हमारी तो खैर थोड़ी बीतती चली गई लेकिन जो आगे आने वाली हमारी जनरेशन है इनके भविष्य के साथ क्या होगा इस पे बहुत गहन विचार मंथन करना चाहिए, जिसकी आज आप लोगों को जो जानकारी लेने की नौबत आ रही है ये नौबत पुनः ना आए। बताइए मोदी जी ने अपने वचन पत्र में जितने भी वादे किए थे तो सिर्फ वो वादा करते हैं कि वास्तव में जुमलेबाजी है? देखिए मैं यदि खुश हूँ तो सामने वाला ना खुश है कहीं ना कहीं। अब रहा सवाल इस बात का है कि भाई जुमलेबाजी करते हैं या जो भी कहने की बात है, तो इसमें यह है कि अगर मान लो वो अगर चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो उसका परिणाम अब आगामी उनको मिलेगा। दीदी नमस्ते, दीदी मुझे आप एक बात बताएं, आप सरपंच पहली बार बने या नहीं? दूसरी बार। दूसरी बार जी। कैसा रहा आपका कार्यकाल? मेरा कार्यकाल तो ठीक रहा और मेरे कार्यकाल में बीजेपी की ही सरकार थी। अच्छा। और मेरे गाँव में जितनी भी यानी सरकारी बिल्डिंगे बनी है, जितनी भी रोड में बनी है वो बीजेपी के कार्यकाल में बनी। पहले हमारे गांव में यानी रोड नहीं थी, हमको इतने यानी घुटने घुटने गड्ढे से जाना पड़ता था, तो कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा। और जब से बीजेपी की सरकार आई और मैं यानी 10 साल हो गए, पहले 5 वर्ष में सरपंच थी, उसके पहले हमारे मिनिस्टर थे। अच्छा। यानी 15 साल नहीं हुआ है, 12 साल हुए। मतलब अभी 12वां साल रनिंग है आप लोग को पंचायत में? तो मेरे गाँव में तो जो भी विकास हुआ है तो बीजेपी के ही उसमें हुआ। अच्छा। यानी बीजेपी का जब तक के अभी शासन था तब तक के आपने अपने गांव में विकास किया, आपके यहाँ सड़कें बन गई, नल जल योजना आ गई? नल जल योजना भी आ गई। अच्छा। यहाँ पर जितनी भी लाडली बहन है उसका आवास का फॉर्म भरा गया? हाँ, पूरे आवास के फॉर्म भरे गए हैं। और जितनी लाडली बहन है कितनी लगभग कितनी संख्या होगी बहनों को जो मिलती है राशि? हमारे तो 200 कुछ बहने हैं। 200 कुछ बहने छोटे से गाँव में? जी जी। अच्छा। और पीएम आवास सभी को मिल चुके हैं? पीएम आवास तो यानी जितने सेंशन हुए थे उतने मिल गए हैं, थोड़े बहुत ही बचे हैं और वो अभी लाडली बहन वाले उसमें भर दिए हैं फॉर्म में। अच्छा, आवास में उन्होंने फॉर्म डाल दिया। और दीदी और बताए जो आपके और कुछ विकास रुक गए हो, अगर सत्ता पलट होता है तो क्या? सत्ता पलट अगर होता है तो मेरे गाँव का तो विकास नहीं हो सकता। अच्छा, रुक जाएगा? रुक जाएगा। ऐसा क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार में हाई स्कूल सेंशन हुई है मेरे गांव में, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हाई स्कूल कैंसिल हो जाएगी। और उनके ऐसे वादे हैं कांग्रेस के
कि सबसे पहले तो मैं लाडली बहना योजना बंद करूंगा। और अभी बीजेपी की सरकार ने किसानों के हित में 3100 रुपए धान का रेट कर दिया है, समर्थन मूल्य, हाँ समर्थन मूल्य 3100 रुपए कर दिया है। अगर क्या मालूम कि वो सरकार आती है तो किसानों के हित में न हो, और किसानों का सबसे अधिक ज्यादा शोषण हो रहा है। किसी 15 महीने के लिए जब बने थे तो उन्होंने वादा किए थे कि मैं पूरा कर्जा माफ करूंगा। कितने किसानों का हुआ आपके? हमारे यहाँ तो 4-5 किसानों का हुआ बस मैडम। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद नहीं हुआ। तो बड़े किसान थे या छोटे किसान थे? बड़े किसान भी थे, छोटे किसान भी थे, उसमें से 2-4 लोगों का हुआ है बस, बाकी किसी का नहीं। हमारी महिलाएं पहले यानी सामने नहीं आती थी, और जब से बीजेपी की सरकार आई महिलाओं को पूरा अधिकार दिया गया 50%, और उन्हीं के अधिकारों के तहत मैं पंचायत की सरपंच बनी हूँ। और जो आजीविका मिशन चल रहा है, तो आजीविका मिशन में हमारी महिलाएं पहले गांव में ही रहती थी, उनको घर से बाहर निकलने का अवसर नहीं मिलता था। अभी आजीविका मिशन के कारण मेरे गांव की महिलाएं यानी पूरे यानी अपने इस दिल से कहो स्टेज में आएगी। पहले उनको नाम बताते नहीं आता था, उनको कुछ करते नहीं आता था। मैं ग्राम संगठन की अध्यक्ष भी हूँ, और सरपंच नहीं बनी थी उसके पहले मैं अध्यक्ष बन गई थी। सीएलएफ की भी अध्यक्ष हूँ मैं, कोषाध्यक्ष हूँ सीएलएफ की। तो मेरे मैं तो ऐसा महसूस करती हूँ कि हम महिलाओं के लिए बीजेपी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। दीदी मुझे आप एक बात बताएं, जो लाडली आवास योजना है, ये योजना है या फिर मतलब एक एक तरह का जुमला है या एक तरह का झूठा वादा जिसको अपन बोलेंगे, जो चुनाव से पहले आया है, या आप इस पर क्या कहती हैं? देखिए 5 महीने पहले इन्हें यानी बीजेपी की सरकार ने जो वादा किया था कि मैं लाडली बहना को पैसे दूंगा, तो 5 महीने हो गए, महीने की किस्त डल रही है उनकी, डल रही है। हाँ। और उनने बोले हैं कि आवास में अगर यानी फार्म भरो, जो बहना अति आवश्यक जिसका मकान नहीं है, तो अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो वादा या जुमला तो वो करती ही नहीं बीजेपी की सरकार। मेरा मानना है कि वो तो करती ही नहीं। अच्छा, जो बोले मतलब उसको निभाती। अरे तो बहना लाडली बहना योजना चालू हुई है तो लाडली बहना का फार्म भरे, वहां पर उनके मिस्टर कैसे आ जाएंगे? अच्छा, पीएम जीजा फार्म भरा जाना चाहिए ना दीदी। गवर्नमेंट को ऐसा क्यों लगा, क्योंकि अभी पीएम आवास पुरुषों के नाम पे आ रहे थे और अभी लाडली आवास भी उन्होंने ला लिया, तो भैया आवास क्यों नहीं लाया? देखिए अभी क्या है कि मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान नहीं आए, तो उनको ऐसा लगा कि जैसे मुख्यमंत्री आवास में जो मकान आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे गाँव की नहीं बता रही हूँ, कई गाँव के सरपंच लोग पैसे वैसे लेके किसी से भी करवा लेते हैं, है ना। और यहाँ पर है तो जो जिस बहन को आवश्यकता है उसी का फार्म भरा गया है। अच्छा, हाँ। तो भाइयों को आवश्यकता नहीं है क्या? भाइयों को तो वो जब लाडला जीजा योजना निकलेगी ना, उस समय उनको आवश्यकता होगी। और बहनों का मकान बनेगा तो जीजा लोगों का मकान तो बनेगा ही ना। अच्छा, मतलब यहाँ पर दो दो घर मिलेंगे, एक भाई को और एक बहन को? नहीं ऐसा नहीं है, जब बहनों का मकान बनेगा तो जीजा लोग तो उसमें रहेंगे ही ना। ये हुई बात। जिनको पीएम आवास मिल चुका है ऑलरेडी, है ना, पुरुषों के नाम पे, अब उनके यहाँ की जो लाडली बहनाएं हैं भैया की, क्या उनको भी मिलेगा? नहीं उनको नहीं मिलेगा, उनका फार्म नहीं भरा गया है। जिनके मकान, जिनके मकान बन चुके, जिनको आवश्यकता है, देखो जिनको आवश्यकता है, जिस बहन को आवश्यकता है, जिसका मकान नहीं है, पंचायत भी तो देखती है ना कि किसका आवास बना है या नहीं बना है, इस हिसाब से फार्म भरा गया है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी हमें यहाँ से मिली, और बहुत ही बहुत बढ़िया यहाँ के सरपंच महोदया है, मैं एक बार फिर से उनका नाम जानना चाहूंगी। दीदी आपका नाम? मेरा नाम है ममता देवी शंकर टेमरे। ममता देवी शंकर टेमरे, जिस हिसाब से इनका नाम है उसी हिसाब से अपने गांव में ममता बरसा रही है, और बहुत सारे काम इन्होंने अपने 12 साल के करियर में किया, और आने वाले 3 साल शायद इस ग्राम के लोग इन पर नजरें टिकाए हुए हैं कि आगे और क्या कर सकती हैं। चलिए, यहां पर एक मुलाकात सरपंच के साथ बहुत अच्छा लगा, पीपरझरी गाँव में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।